दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र की सरकार को एक और झटका दे दिया। क्या बात है, हमारी सरकार को लगातार झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी एक ऐसा हंटर बनवा लिए हैं जो अगर सरकार इधर से उधर करेगी तो हंटर साख से उस पर बचा देंगे। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में हमारी केंद्र की सरकार यानी मोदी जी को सख्त हिदायत दी थी कि मणिपुर पे आप कुछ कीजिए, नहीं तो हम अगर कूद गए तो शायद आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। उन्होंने 24 घंटे का समय दिया, कहा कि मणिपुर पर कुछ करिए और जो भी मणिपुर में जो कुकर्म हुआ है उस पर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने आदेश दिया और वहां पर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन आज आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 की जो सुनवाई जो अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई करने का आदेश दे दिया है। अब केंद्र सरकार इसके खिलाफ में थी, इस पर अपील भी की गई थी कि इस पर सुनवाई ना की जाए, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ भैया राजा आदमी जो कि सरकार की नाक में नकेल कसने के लिए काफी अच्छे से माने जाते हैं, हर अगर कोई भी कदम सुप्रीम केंद्र सरकार गलत उठाती है तो भैया एक ऐसे जो सरकार के ऊपर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो हंटर बजा देते हैं कि भैया इधर नहीं इधर चलिए, आपका रास्ता ये है। तो आपको बता दें कि 370 पर उन्होंने कहा है कि एक ऐसी बेंच का गठन किया जाएगा जिस पे लगातार सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 370 धारा ऐसी थी जिसमें कश्मीर को जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था जिसको 2019 में केंद्र की सरकार ने खत्म कर दिया था, जिसके बाद उसमें अपील पड़ी धारा 370 को फिर से लागू करने के लिए जिसपे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है जो कि केंद्र सरकार इसका खिलाफत कर रहा था। और हमको ये जल्दी एक फैसला आने वाला है कि जल्दी आपको ये पता भी चल जाएगा कि डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे भगवान हैं वो जल्द ही कुछ नया फैसला दे देंगे। लेकिन अब आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर और सरकार को दिए गए लगातार इन झटकों पर, सरकार जिस तरीके से तानाशाही पे उतर आई है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उस पर कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई है। ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अच्छी भावना व्यक्त करेगी कि अगर गलत कोई भी करेगा, चाहे सरकार हो चाहे जनता हो चाहे कोई भी हो, मंत्री हो विधायक हो, सुप्रीम कोर्ट सुपर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। और हाँ, अगर हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट करते रहें क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ के बदौलत नहीं चलते, हम स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं। जय हिंद।